देश में मंदिर मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। काशी में कथित शिवलिंग मिलने के बाद विवाद और गहराया गया है। वही विवाद बढ़ते बढ़ते सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। इस बीच देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब ने काशी मथुरा मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। इरफान हबीब ने कहा कि औरंगजेब ने ही काशी मथुरा मंदिर को तोड़वाया था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर गलत काम किया था। हालांकि इरफान हबीब ने मोदी सरकार से भी सवाल पूछा, वैसे ही क्या सरकार भी अब गलत काम करेगी? आपको मालूम हो कि ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। आज वाराणसी सिविल कोर्ट ज्ञान व्यापी मामले में शाम तक फैसला आएगा। कोर्ट के फैसले पर पूरी देश की नजर बनी हुई है। वही ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर और बाहर सर्वे के दौरान कई तरह की हिंदू चिन्ह मिले थे। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को सुनवाई 8 हफ्तों के अंदर पूरा करने के आदेश दिए। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।